एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 11 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बात करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स एग्जांपल्स एंड केस लॉज। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहेगा और आपके पास एक अच्छा नोट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर हो जाएगा जो किसी भी पेड बैचेस से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप वीडियो एंड तक देखो और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो चैनल आप अपने आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, चलिए देखो, हम बात कर रहे हैं एविडेंस लॉ में चैप्टर 2 के बारे में। हम जानते हैं चैप्टर 2 बेसिकली उन फैक्ट्स के बारे में बात करता है जो कि रेलेवेंट माने जाएंगे और एडमिसिबल माने जाएंगे इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्योंकि जब हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बात किया था तो हमने ये जाना कि कोर्ट में हम केवल उन्हीं फैक्ट्स को ला सकते हैं, उन्हीं फैक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो रेलेवेंट होंगे फैक्ट एंड इशू से। हम इररेलेवेंट फैक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चैप्टर 2 में बेसिकली हम उन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे और एडमिसिबल होंगे इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। तो इसी सीरीज में चैप्टर 2 के तहत हमने ये जाना कि चैप्टर 2 बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है और इससे जो रिलेटेड सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक। हमने सेक्शन 6 देखा नोट्स इलस्ट्रेशंस और केस लॉस के थ्रू, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हो। हमने सेक्शन 7 को देखा, सेक्शन 8 हमने दो पार्ट्स में कवर किया। आज हम सेक्शन 11 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्सर इस पर्टिकुलर सेक्शन से एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वेदर शॉर्ट और लॉन्ग, आप दोनों तरह के क्वेश्चन से डील कर लोगे, राइट। चलिए सेक्शन 11 जो कि प्ली ऑफ एलिबाई के कंसेप्ट के बारे में बात करता है। चलिए सबसे पहले हम इसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि अगर हम इसके हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं तो बहुत हद तक हम इसके कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। प्ली ऑफ एलिबाई, देखो प्ली का मतलब क्या है, प्ली का मतलब है दलील देना। जब आप कोर्ट में स्टेटमेंट देते हो, कोई बात कहते हो, तो वो प्ली कहलाता है, राइट। एलिबाई का मतलब क्या है, एलिबाई का मतलब है अन्यत्र उपस्थित। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप हिंदी में भी पढ़ो और इंग्लिश में भी पढ़ो, राइट। तो अन्यत्र उपस्थित, जब आप कोर्ट में ये दलील देते हो कि साहब जब क्राइम हुआ, व्हेन क्राइम टुक प्लेस, जब क्राइम हुआ, एंड वेयर क्राइम टुक प्लेस, जहां क्राइम हुआ, दो चीजें। जब आप कोर्ट में ये दलील देते हो कि जब क्राइम हुआ और जहां क्राइम हुआ आप वहां पे उस समय उपस्थित नहीं थे, यू वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड ऑन दैट प्लेस, आप कहीं और उपस्थित थे, और ये जो एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं, ये जो आपको एक्यूज्ड बनाया जा रहा है वो झूठा है। क्यों? क्योंकि आप जहां क्राइम हुआ और जिस समय में क्राइम हुआ आप वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, राइट। तो जब आप एविडेंसेस के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे कोर्ट में ये प्रूव कर देते हो बिना किसी रीजनेबल डाउट के, यानी जो भी एविडेंसेस आप प्रोड्यूस करोगे इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस वो एविडेंसेस अपने आप में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और जब ये कोर्ट अज्यूम कर लेगा कि देर इज नो एनी डाउट और ये बात कंफर्म हो गया है कि आप कहीं और प्रेजेंट थे, तो जब आप अपने डिफेंस में इस चीज का दलील देते हो तो इसे हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, राइट। अगर आप
अपने डिफेंस में प्ली ऑफ एलिबाई को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर देते हो बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट शैल गिव यू एक्विटल, तब कोर्ट बाउंड होता है कि आपको दोष मुक्ति करार करे, राइट? ये है प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट, राइट? तो आई होप कि बेसिक क्या है प्ली ऑफ एलिबाई वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप लिखोगे जनरल मीनिंग ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, जनरल मीनिंग ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, राइट? इसमें आप लिखोगे कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से डील करता है हमारे लॉ ऑफ एविडेंस का सेक्शन 11। राइट, व्हाट डज इट मीन? देखो इसका मतलब है इट इज बेसिकली प्ली ऑफ एब्सेंस, इट इज बेसिकली अ प्ली ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पर्सन charged with an offense from the place of occurrence at the time of commission of offense। तो ये मैंने अपने वर्ड्स में आपको प्ली ऑफ एलिबाई का जनरल मीनिंग नोट करा दिया। क्या है प्ली ऑफ एलिबाई? ये कहता है कि प्ली ऑफ एलिबाई बेसिकली एक प्ली है, दलील है इस बात का कि वो पर्सन जो कि क्या है, एक्यूज्ड है, हु इज चार्ज्ड विथ एन ऑफेंस, जिसके ऊपर किसी अपराध को कारित करने का आरोप लगा है, वो ये कहता है कि जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ और जिस प्लेस पे ऑफेंस हुआ वो उस समय उस प्लेस पर प्रेजेंट नहीं था, ही वॉज एब्सेंट, और क्योंकि वो एब्सेंट था तो इसका मतलब ये है कि उसने क्राइम कमिट नहीं किया है। तो एक्यूज्ड का ये प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से जाना जाता है एज पर सेक्शन 11 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, राइट? चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट सिंपली मीन्स बीइंग प्रेजेंट एनीवेयर, प्ली ऑफ एलिबाई सिंपली इट मीन्स बीइंग प्रेजेंट एनीवेयर एल्स या बीइंग प्रेजेंट समवेयर एल्स फ्रॉम क्राइम स्पॉट, राइट? ये है आपका प्ली ऑफ एलिबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, to take the defense of plea of alibi, accused have to prove his absence from the place when crime committed without any reasonable doubt. तो accused अगर plea of alibi का सहारा लेकर के अपने आप को जो भी charges उसके ऊपर लगे हैं उनसे free करना चाहता है, और अगर वो plea of alibi का use कर रहा है
तो उसे जो भी फैक्ट्स, जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस वो करेगा, वो इसी ओर इशारा करने चाहिए कि एक्यूज्ड उस समय उस प्लेस पे प्रेजेंट नहीं था, और ये चीज़ एक्यूज्ड को बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव करना है, तभी वो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले सकता है। राइट, तो लिख लो नोट में, टू टेक डिफेंस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई accused must prove his absence from the place where offense took place beyond any reasonable doubt। ठीक है, चलिए। Now, once the accused successfully pleads the alibi, he shall be entitled for acquittal। एक बार अगर accused successfully plea of alibi को establish कर देता है before the court और court satisfy हो जाता है, तो court bound है कि वो accused को acquit कर दे। Right? तो यहां लिख लो आप, once the accused successfully pleads alibi, he shall be entitled for acquittal। कोर्ट उसे क्या करेगा? दोष मुक्त कर देगा, दोष मुक्ति। राइट, नाउ इन केसेस वेयर प्ली ऑफ एलिबाई इज रेज्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु रेजेस द प्ली। तो मान लो आप एक्यूज्ड हो और आपके ऊपर कोई ऑफेंस के एलिगेशंस लग रहे हैं और आप प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले रहे हो, तो अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले रहे हो तो आपको ये चीज़ प्रूव करना होगा विदाउट एनी रीजनेबल डाउट, यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। राइट, तो इन केसेस वेयर प्ली ऑफ एलिबाई इज रेज, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु रेजेस प्ली। राइट, अब सेक्शन 11 जो कि प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में बात करता है, सेक्शन 11 को हम रीड करेंगे, सेक्शन 103 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 103 लॉ ऑफ एविडेंस का बर्डन ऑफ प्रूफ से जुड़ा एक सेक्शन है जिसे आने वाले वीडियोस में तो हम समझेंगे ही, लेकिन अभी हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को ब्रीफ में समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 11 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। राइट, तो हमने ये जाना कि सेक्शन 11 में अगर एक्यूज्ड प्ली ऑफ एलिबाई का यूज करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो ये प्रूफ करे बिना किसी रीजनेबल डाउट के कि वो उस समय उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था। राइट, तो सेक्शन 11 रीड विथ सेक्शन 103 of Evidence Act। राइट, अब सेक्शन 103 या सेक्शन 103 क्या कहता है? देखो, सेक्शन 103 ये कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट, इसे हम केवल समझ लेते हैं। राइट, सेक्शन 103 बर्डन ऑफ प्रूफ burden of proof as to a particular fact
बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट. देखो द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन. किसी पर्टिकुलर फैक्ट के प्रूफ को लेकर के जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पर्सन पे लाई करता है जो कोर्ट को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि कोर्ट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को मान ले, कंसीडर कर ले. तो मान लो अगर एक्यूज्ड किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर के कोर्ट को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि कोर्ट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को कंसीडर कर ले, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर के किस पे लाई करेगा, उसी पर्टिकुलर पर्सन पे लाई करेगा. एग्जाम्पल के लिए मान लो जो एक्यूज्ड है वो ये चाहता है कि कोर्ट ये विश्वास करे कि ये पर्टिकुलर फैक्ट्स एग्जिस्ट करता है, तो उसी पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रूफ करना होगा कि ये जो फैक्ट है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है बिना किसी डाउट के. अगर एक्यूज्ड कोर्ट को ये विश्वास दिलाना चाहता है और एक्यूज्ड ये चाहता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक्यूज्ड को ये प्रूफ करना होगा कि दैट फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है बिना किसी रीजनेबल डाउट के. राइट. अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाई एनी लॉ दैट द प्रूफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन. जब तक लॉ ये नहीं कहता है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट का जो प्रूफ है वो किसी और पर्सन पे लाई करेगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसी अदर पर्सन पे लाई करेगा, जब तक कोर्ट ये नहीं कहता है तब तक जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी पर्सन के ऊपर लाई करेगा जो ये चाहता है कि कोर्ट इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को कंसीडर कर ले. राइट. ये है सेक्शन 103. तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 103 को अगर हम सेक्शन 11 के रेस्पेक्ट में देखें, तो एक्यूज्ड जो कि ये चाहता है कि कोर्ट उसकी बात को माने और कोर्ट ये विश्वास कर ले कि वो जब क्राइम हुआ और जिस जगह पे क्राइम हुआ वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पर्सन के ऊपर लाई करता है कि वो ये प्रूफ कर दे कि वो उस समय उस स्थान पे प्रेजेंट नहीं था. राइट. चलिए अब जैसे एक इलस्ट्रेशन लो, हम लिखते हैं सेक्शन 103 का. देखो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और बगल में जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसे प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप वीडियोस देखें. देखो सेक्शन 103 का हम एग्जांपल लेते हैं. सेक्शन 103 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट. देखो जैसे मान लो ए प्रोसिक्यूट्स बी, ए बी के ऊपर ये एलिगेशंस लगाता है कि बी ने चोरी किया है. ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव कि कोर्ट ये विश्वास कर ले दैट कि बी admitted theft before C. Right. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेक्शन 103 के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक एग्जाम्पल है और वो ये है कि A B के ऊपर एलिगेशंस लगाता है और कहता है कि B ने ही चोरी किया है और ये चाहता है कोर्ट से कि कोर्ट उसकी बातों पर यकीन कर ले और वो ये कहता है कि B ने अपनी चोरी सी के सामने एडमिट किया था, तो ए को ये बात प्रूफ करना होगा कि बी ने अपने चोरी को सी के सामने एडमिट किया था. राइट. ए मस्ट प्रूफ द एडमिशन, ए मस्ट प्रूफ एडमिशन ऑफ बी रिगार्डिंग थेफ्ट बिफोर सी. राइट. ये है सेक्शन 103. तो यानी सेक्शन 11
रीड विथ सेक्शन 103 और सेक्शन 103 को डिफाइन करते हुए आप इस इलस्ट्रेशन को वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी क्योंकि एक्यूज्ड ये चाहता है कि कोर्ट ये विश्वास कर ले कि जिस समय और जिस जगह पे क्राइम हुआ वो उस समय उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था। एक्यूज्ड ये चाहता है कि कोर्ट इस बात को मान ले, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे लाई करेगा। राइट, चलिए अब देखो, जैसे देर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जैसे हमने ये जाना कि अक्यूज्ड अगर प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लेता है तो उसे बिना किसी रीजनेबल डाउट के बिफोर द कोर्ट ये प्रूफ करना होगा कि वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड ऑन द प्लेस वेयर ऑफेंस टुक प्लेस, जहां ऑफेंस हुआ उस जगह पे उस समय में प्रेजेंट नहीं था, ही वॉज समवेयर एल्स, वो कहीं और था। उसे इस बात को प्रूफ करना है बिना किसी रीजनेबल डाउट के। लेकिन आगे कहता है, मेयर फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड टू एस्टेब्लिश एलिबाई शैल नॉट लीड टू एन इन्फरेंस दैट अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस। मान लो अगर जो अक्यूज्ड है वो प्ली ऑफ एलिबाई को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, यानी जो भी एविडेंसेस जो भी फैक्ट्स वो कोर्ट के सामने रख रहा है उससे कहीं ना कहीं कोर्ट को ये डाउट हो रहा है कि ये शायद झूठ बोल रहा है। तो यानी अगर एक्यूज्ड प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस सक्सेसफुली एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है और वो फेल कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये अनुमान लगा लेंगे, कोर्ट ये अनुमान लगा लेगा कि एक्यूज्ड वॉज प्रेजेंट ऑन क्राइम स्पॉट, जो एक्यूज था वो क्राइम स्पॉट पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो प्ली ऑफ एलिबाई अपने आप में एक एग्जॉस्टिव कंसेप्ट है। राइट, तो इसके दोनों साइड को हमने ये समझा कि अगर एक्यूज्ड अपने आप को एक्विट करना चाहता है तो उसे प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लेते हुए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस को प्रेजेंट करना है बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी रीजनेबल डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो फेल कर जाता है टू एस्टेब्लिश द प्ली ऑफ एलिबाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही वॉज प्रेजेंट ऑन क्राइम स्पॉट, वो क्राइम स्पॉट पे प्रेजेंट था। राइट, यानी फेलियर ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई डज नॉट हेल्प द प्रोसिक्यूशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई को एस्टेब्लिश करने में अगर एक्यूज्ड फेल कर भी जाता है तो ये प्रोसिक्यूशन को किसी भी मैनर में हेल्प नहीं करता है। प्रोसिक्यूशन मीन्स वॉट? प्रोसिक्यूशन मीन्स वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो उसके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि वही दोषी है। राइट, तो ये किसी भी मैनर में प्रोसिक्यूशन को हेल्प नहीं करता है। Thus, prosecution has to establish the presence of accused at the scene of occurrence through positive evidences. और फिर ये कहता है कि जो prosecution है उसे ये प्रूफ करना होगा positive evidences के साथ कि जो accused था वो crime spot पे present था। अब देखो, positive evidences से मतलब क्या है? Plea of alibi को अगर हम accused के context में देखें तो ये negative evidence है, क्योंकि accused एक ऐसा एविडेंस पेश कर रहा है जो अपने आप में नेगेटिव इन नेचर है। वो ये प्रूफ कर रहा है कि ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज नॉट एट क्राइम सीन, तो ये क्या है? नेगेटिव एविडेंस है। लेकिन अगर हम प्रोसिक्यूशन के साइड से देखें तो प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? ये एक पॉजिटिव एविडेंस है, क्योंकि यहां पे प्रोसिक्यूशन ये ट्राई करता है कि प्ली ऑफ एलिबाई के अगेंस्ट में वो ये प्रूफ कर दे कि वो यानी अक्यूज्ड वहां पे प्रेजेंट था, तो ये क्या है? पॉजिटिव एविडेंसेस है। राइट, ये है। चलो, तो ये था पूरा सेक्शन 11, जिसे हमने सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करी। चलिए अब बेयर एक्ट कैसे इसे डिफाइन करता है अब मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सभी चीजें आपके बेयर एक्ट में दी गई हैं। ठीक है, चलिए
हाँ ये आप लिख सकते हो तो लिख लो कि मेयर फेलियर ऑन पार्ट ऑफ एक्यूज्ड। चलो लिख देता हूँ। तो अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैं हर एक सेक्शन को, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी रीच बढ़े और चैनल का ग्रो हो। चलो तो नोट, मेयर फेलियर, मेयर फेलियर ऑन पार्ट ऑफ एक्यूज्ड, ऑन पार्ट ऑफ एक्यूज्ड mere failure on part of accused to establish alibi, to establish alibi, यानी अगर accused plea of alibi को successfully establish नहीं कर पाता है, mere failure on part of accused to establish alibi shall not lead to an inference, to an inference, inference means आप ये नहीं अनुमान लगाओगे कि वो जब एबसेंट नहीं था तो वो प्रेजेंट होगा ऑन क्राइम सीन, राइट। शैल नॉट लीड टू एन इन्फरेंस दैट अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट, दैट अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस, राइट। ओके, डज फेलियर ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, thus failure of plea of alibi, thus failure of plea of alibi does not help prosecution. Again, prosecution had to establish presence of accused at the scene of occurrence, right? तो आप नोट कर लो, through positive evidences, accused के रेस्पेक्ट में प्ली ऑफ alibi का डिफेंस लेना नेगेटिव एविडेंसेस के दायरे में आता है। जिन भी एविडेंसेस को वो प्रोड्यूस करेगा कि ही वॉज नॉट देयर, तो वो नेगेटिव एविडेंसेस कहलाएंगे। और प्रोसिक्यूशन, राइट, जिन एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेगा कि accused वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस, तो वो पॉजिटिव एविडेंसेस होंगे, क्योंकि वो इस ओर इशारा करेंगे कि accused क्राइम स्पॉट पे प्रेजेंट था, राइट। तो अब देखो सेक्शन 11 क्या कहता है। सेक्शन 11 ये कहता है, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। तो ऐसे फैक्ट्स जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं हैं, वो कब रेलेवेंट होंगे? तो वो रेलेवेंट होंगे दो सिचुएशंस में। पहला, व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू, और रेलेवेंट फैक्ट जब वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रेस्पेक्ट में इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, असंगत होंगे। और दूसरा, एंड इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, और यदि खुद से या इन कनेक्शन ऑफ अदर फैक्ट्स, किसी अदर फैक्ट के कनेक्शन में दे मेक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट इन इशू या फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, या रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल।
राइट, यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि जब फैक्ट खुद से या किसी अदर फैक्ट के कनेक्शन में फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाते हों तो वो रेलेवेंट माने जाएंगे। एग्जाम्पल मान लो इलस्ट्रेशन आपके बेरक में है, अभी जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो सेक्शन 11, what does it say? When fact not otherwise relevant, when fact not otherwise relevant become relevant, देखो कब वो फैक्ट जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होते हैं रेलेवेंट कब होंगे, यानी वो फैक्ट जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है अन्यथा रेलेवेंट नहीं है वो कब रेलेवेंट माने जाएंगे। तो ये कहता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट, सेक्शन 11, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इन टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस में, देखो व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट, व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट असंगत, व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, जब वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिलेशन में क्या होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे तब वो रेलेवेंट माने जाएंगे। और दूसरा इफ बाय देमसेल्व्स, यदि वो खुद से, इफ यानी वो फैक्ट्स खुद से, इफ बाय देमसेल्व्स, या लिखो फैक्ट बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट they make existence, तो यदि वो खुद से या किसी अदर फैक्ट के कनेक्शन में दूसरे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हो, when they make अदर फैक्ट्स, when they make existence, when they in connection with other facts they make existence and non-existence of fact and issue or relevant fact highly probable and improbable। अब जैसे तो इन दोनों situations में क्या होंगे, ऐसे fact relevant होंगे when fact not otherwise relevant become relevant in these two cases। ठीक है, चलिए तो आप एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। जैसे मान लो वेदर ए कमिटेड क्राइम एट कलकत्ता ऑन सर्टेन डे, तो ये क्वेश्चन है क्या ए ने इस सर्टेन डे पर कोई क्राइम किया। तो कह रहे हैं फैक्ट्स दैट, ये आपके बेरक में है, फैक्ट्स दैट ए वॉज एट लाहौर, ए जो था वो उस दिन उस समय पर लाहौर में था, ये क्या है रेलिवेंट है। कह रहे हैं नियर द टाइम when crime was committed, यानी उस समय के आसपास या उस समय के बीच जब क्राइम हुआ, ए वॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज कमिटेड, ए जो था जिस जगह पे क्राइम हुआ उस जगह से एक निश्चित दूरी पर था। ए क्राइम हुआ कलकत्ता में लेकिन ए कहाँ था, लाहौर में था, विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल,
दो नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इज रिलेवेंट। कह रहा है कि जिस समय और जिस जगह पे क्राइम कमिट हुआ उस समय के बीच जो ए था वो कलकत्ता में नहीं था, वो एक निश्चित दूरी पर था फ्रॉम द प्लेस वेयर ऑफेंस टुक प्लेस। और प्लेस ऑफ अकरेंस से जिस जगह पे एक्यूज्ड प्रेजेंट था, हालांकि वो एक्यूज्ड है राइट, लेकिन वो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले रहा है। वो ये कह रहा है कि जब क्राइम हुआ और जिस जगह पे क्राइम हुआ उस जगह से वो एक निश्चित दूरी पर था, उस समय के बीच वो एक निश्चित दूरी पर था, ही वॉज इन लाहौर, वो लाहौर था। आगे कह रहा है कि हाँ ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है वो क्राइम करके लाहौर चला गया हो, लेकिन जिस समय क्राइम हुआ वो उस समय उसी समय कहाँ था, वो लाहौर था। तो ये क्या है, हाईली इम्प्रोबेबल है कि सेम टाइम पे ऑफेंस कमिट करके सेम समय में वो कलकत्ता से लाहौर चला जाए राइट। तो ये है आपका प्ली ऑफ एलिबाई राइट। ये क्या है, रेलेवेंट है। अब जैसे द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम, क्या ए ने क्राइम कमिट किया, तो ये कह रहा है द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट, जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड। अब देखो बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है, तो मैं लेक्चर को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सारे इलस्ट्रेशन सारे केस लॉज आपके बेयर एक्ट में दिए गए हैं ठीक है। जो लिखवाने वाला चीज़ था मैंने लिखवा दिया। तो कह रहा है देखो क्या ए ने क्राइम कमिट किया, तो कह रहे हैं जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ऐसा लगता है कि जो क्राइम है वो ए बी सी डी इन चारों में से किसी एक ने किया है। अब देखो जब एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि बी सी डी इन तीनों में से किसी ने भी क्राइम कमिट नहीं किया है, तो ऑब्वियस ही बात है क्राइम किसने कमिट किया है, ए ने कमिट किया है। ये क्या है, रेलेवेंट है राइट। अब एक और केस है हमारे पास, दास हरी शिव प्रसाद रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इसमें कहा गया इन द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि दैट ही वॉज प्रेजेंट एट अ मीटिंग, वो एक मीटिंग में था हेल्ड नियर अबाउट 400 टू 500 मीटर अवे फ्रॉम द इंसिडेंट। तो एक्यूज्ड ये प्ली देता है कि जिस जगह पर क्राइम हुआ उस जगह से 400 से 500 मीटर की दूरी पर एक मीटिंग हो रहा था, वो उस मीटिंग में प्रेजेंट था उसी समय के बीच। तो दिस इंसिडेंट इट वॉज नॉट रिगार्डेड एज प्ली ऑफ एलिबाई, तो इसे प्ली ऑफ एलिबाई नहीं कंसीडर किया गया, क्योंकि ये बहुत हद तक पॉसिबल है, इट इज हाईली प्रोबेबल कि क्योंकि जिस जगह पे ऑफेंस हुआ राइट और जहां पे मीटिंग हेल्ड हुआ उन दोनों जगह के बीच की दूरी कितनी थी, 400 से लेकर 500 मीटर तक, तो ये हाईली प्रोबेबल है कि हो सकता है क्राइम कमिट करने के तुरंत बाद वो मीटिंग अटेंड करने चला गया हो। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई इसे नहीं माना गया और उसे दोषी माना गया राइट। तो यानी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस और एक्यूज्ड जो ये बोल रहा है कि वो किसी और जगह पे प्रेजेंट था, उन दोनों ही जगहों के बीच की जो दूरी है वो टू फार है और ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि वो सेम टाइम पे दोनों प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो वो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले सकता है। लेकिन अगर दोनों ही जगहों के बीच की जो दूरी है वो टू शॉर्ट है, जैसे इस केस में दास हरी शिव प्रसाद रेड्डी वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूरी कितनी थी, 400 से 500 मीटर की दूरी थी, तो हो सकता है क्राइम कमिट करने के बाद वो तुरंत मीटिंग ज्वाइन कर लिया हो ठीक है। एक और केस है विकास पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, इसमें ये कहा गया कि एक्यूज्ड कुड नॉट प्रूव द एलिबाई, येट इट कैनॉट बी इन्फर्ड दैट ही वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट। तो विकास पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया कि मान भी लेते हैं हम कि एक्यूज जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस सक्सेसफुली नहीं ले पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट था राइट। तो ये कुछ केसेस थे, इलस्ट्रेशंस थे, और एक पर्टिकुलर सेक्शन पे करीब करीब 50 मिनट का लेक्चर शायद ही आपको कहीं मिले, पूरे पेड बैचेस में भी आप जाके देख सकते हो।
उन्हें वहाँ भी आपको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर मैं किसी भी मैनर में आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट ज़रूर शो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी ग्रोथ हो। विद दिस होप, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।